नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको नवरात्रों के चौथे दिन के बारे में। हाँ दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ पाराम्बरा भगवती दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कुष्मांडा माँ देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद मंद मुस्कान भर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। यहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही अलौकिक है। माता के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद तेज माँ कुष्मांडा की छाया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कर्मशः कमंडल, धनुष, पाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ सिंह के वाहन पर सवार रहती है। जैसा कि दोस्तों आप हमारी इस वीडियो में दिखाई गई फोटो में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माँ कुष्मांडा को खुश करना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा, और अगर आप उच्चारण नहीं भी कर पाते हैं तो सिर्फ सुनने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आवास रहेगा। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करके आप माँ कुष्मांडा को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।